बिहार में महागठबंधन दलों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का अमित शाह के संपर्क में होने के आरोप पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरजेडी ने इतना तंग कर दिया है कि वो आपक हो रहे हैं। ललन सिंह ने इतना दबाव बनाया है कि केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लोकतंत्र में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, विचारधारा बदलती रहती है। तमाम बयानों का मतलब है नीतीश जी घबरा गए हैं, आरजेडी सत्ता लेने के लिए व्याकुल है, नीतीश कुमार सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन सब से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। एक तरह से आरजेडी ने इतना उनको तंग कर दिया, ललन जी ने उनको इतना उन पे दबाव बनाए रहते हैं कि नीतीश जी एक तरह से छटपटा रहे हैं, यानी कि अपने आपा खो देते हैं। स्वाभाविक है जिस तरह से। अब वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं, तो बीजेपी के संपर्क में रहना कोई ख़राब बात तो है ही नहीं। अब उस संपर्क में है कि नहीं सुनील जी मैं नहीं जानता, लेकिन देश के हर नागरिक को हर पार्टी में जाने का आने का समय के अनुसार उसकी पार्टी के आचरण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, उस पर निर्भर करता है। मैं रीति रिवाज की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर के नहीं। अब उसमें पार्टी जज करती है किसको लेना है ना लेना है। अब संपर्क में है ना है ये मुझको कोई पता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में कहीं भी किसी से कोई संपर्क में रह सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग व्यक्तिगत कहीं मिल गया तो स्वाभाविक है कि कहीं बात हो जाती है, कहीं कुछ चलते बात हो जाती है, कहीं कोई विषय आता है तो बात होती है। लेकिन इस सारी बयान का मतलब यही है कि नीतीश जी घबरा गए हैं, आरजेडी व्याकुल है सत्ता में आने के लिए, मतलब बिहार की, और इस सत्ता छोड़ने के लिए नीतीश जी तैयार नहीं है, और तेजस्वी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी में सारा यह बयान एक दूसरे पर हो रहा है, उससे बीजेपी को कोई मतलब है नहीं, बीजेपी अपना काम करती है। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर 13 को बीजेपी विधानमंडल मार्च करेगी और सरकार को घेरेगी। पटना में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ये बातें कहीं। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने नीतीश से तेजस्वी का इस्तीफा मांगा और कहा कि नीतीश को उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा मार्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार में बढ़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की जो खराब स्थिति है, शिक्षकों की जो मांग है, और भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ा मुद्दा है 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज 10 महीना बीत गया, एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिली, और जो भी सरकारी नौकरी मिली है वो एनडीए के कार्यकाल में जो लोग जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका था उन्हीं लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। तो सवाल जानना चाहते थे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कि 10 लाख सरकारी नौकरी का क्या हुआ, तो नीतीश कुमार को अविलंब तेजस्वी यादव को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन हम लोग को उम्मीद नहीं कि वो बर्खास्त करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बीजेपी का रास्ता बंद हो चुका है। तो जब बीजेपी का रास्ता बंद हो चुका है उनकी, तो नीतीश कुमार की मजबूरी है राजद का साथ लेना। हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में हम स्वीकार नहीं करेंगे।